हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। दोस्तों, हुआवे ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फ़ोन मेट एक्स टू को लॉन्च कर दिया है, जो कि एक्सपेक्ट वाइज एक परफेक्ट फोल्डेबल फ़ोन लगता है। वैसे हुआवे का पहला फोल्डेबल फ़ोन उतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बाहर की तरफ खुलती थी, जिससे कि स्क्रीन पर काफ़ी आसानी से स्क्रैचेज आ जाते थे। और हुआवे ने सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड के इनवर्ट डिज़ाइन को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन हाल ही में लॉन्च हुए मेट एक्स टू में हुआवे ने सैमसंग के डिज़ाइन को कॉपी किया है, और ये काफ़ी हद तक सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 की तरह दिखता है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 8 इंचेस की OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 2480x2200 का है, और इसकी रिफ्रेश रेट 90Hz की दी गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें किसी भी तरह की क्रीचेस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें अल्ट्रा थिन ग्लास की जगह पे लिक्विड मेटल हिंज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि डिस्प्ले में आने वाले क्रीजेस को कम कर देता है, और इसकी वजह से फ़ोन को बंद करने पर भी इसमें जरा भी गैप नहीं रहती। इस चीज़ को आप साइड बाय साइड गैलेक्सी Z Fold 2 के साथ देख भी सकते हैं। इसके फ्रंट में भी 90Hz की रिफ्रेश रेट वाली 6.45 इंचेस की OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसमें कि डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि मेट एक्स टू को डिस्प्ले और कैमरा डिपार्टमेंट में एक परफेक्ट फ़ोन बनाता है। वहीं इसके रियर कैमरे पर नज़र डालें तो मेट एक्स टू का कैमरा काफ़ी दमदार है। इसमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें कि 8 मेगापिक्सल का 10x जूम वाला पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। दूसरा, इसमें 10 मेगापिक्सल का 3x जूम कैमरा दिया गया है। तीसरा, इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर लगा है, और चौथा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जो कि मैक्रो कैमरा की तरह भी काम करता है। और यही नहीं, ये 2 सेंटीमीटर तक के क्लोज शॉट्स भी ले सकता है, और इसके कुछ कैमरा सैंपल आप देख सकते हैं। हालांकि ये सैंपल कंपनी के द्वारा बेस्ट कंडीशन में शॉट किए गए हैं, लेकिन फिर भी हुआवे की कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। वहीं परफॉर्मेंस के मामले में भी ये किसी से पीछे नहीं। इसमें हुआवे का अपना किरी 9000 का चिपसेट लगा गया है, जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और ये सेम चिपसेट है जो हुआवे मेट 40 प्रो में भी यूज़ किया गया था, जिससे कि यूजर्स को काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिली थी। इसमें 8GB की रैम के साथ 256GB और 512GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। लेकिन इतनी खूबियाँ होने के बाद भी इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं, और पहली खामी इसमें यह है कि इसमें आपको गूगल सर्विसेज का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वैसे ओपन सोर्स के ज़रिए आप गूगल सर्विसेज को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो शायद अच्छे तरीके से काम ना करें। लेकिन फिर भी हुआवे की अपनी ऐप गैलरी में आपको सारी यूज़फुल ऐप्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।